हर एक मूवी हर अलग अलग वजह से यादगार बन जाता है। ऐसी एक मैंने मूवी देखा जिसका नाम है कुकी, जो 26 जून को थिएटर में रिलीज हुई थी। तो अब ये मूवी Amazon प्राइम पे अवेलेबल है, तो इसको मैंने देखा Amazon प्राइम पे, तो इसके बारे में आप लोगों के साथ इस वीडियो में बात करूंगा। ये जो मूवी है ना, ये मूवी एक रेप विक्टिम पे है। जनरली इस प्रकार के मूवी में आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा कि कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मौका मिलेगा, और उसके साथ साथ जो रेप विक्टिम है उसके साथ किस प्रकार का बिहेवियर किया जा रहा है कोर्ट में, या बस समाज के लोग किस तरह से उसे देखते हैं, ये दिखाया जाता है। लेकिन ये जो मूवी है कुकी, ये काफी डिफरेंट है। तो इस मूवी का स्टोरी ये कि आसाम के तेजपुर में कुकी नाम का एक लड़की है जो क्लास 11 में पढ़ती है और 16 एज है। तो उसके पिताजी भी एक वकील है। तो वो एक दिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए रात को जा रही थी, तो वो स्कूटी में जा रही थी, उसको स्कूटी कुछ लड़कों के साथ टकरा जाती है। तो उसके बाद वो लोग जो लड़के के साथ टकराया था वो लोग मिलकर उसे गैंग रेप कर देता है। उसके बाद क्या होता है, ये इस मूवी का स्टोरी है। देखिए जैसे मैंने कहा कि इस प्रकार के स्टोरी में दिखाया जाता है कि कोर्ट रूम ड्रामा है या विक्टिम के साथ क्या हो रहा है कोर्ट में, ये सब दिखाया जाता है। लेकिन जो चीज मिसिंग होता है बाकी सारे फिल्म में वो है विक्टिम का मेंटल ट्रॉमा। इस मूवी में यानी कुकी में वो चीज बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि मेंटल किस प्रकार के मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरती है, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। ना कि कोर्ट रूम ड्रामा ये क्या हो रहा है यो कर रहा है, बल्कि उसके पिताजी वकील है, उसने केस इस ये केस लड़ा, लेकिन कैसे क्या कोर्ट में क्या हुआ ये कुछ भी दिखाया नहीं गया, सिर्फ मेंटल ट्रॉमा पे यहाँ पे फोकस किया गया है। और एक्टिंग की बात करें तो रितिशा खमुंड बहुत ही अच्छी काम की है, बहुत ही अच्छी। एक लास्ट जो सीन है इस मूवी का जहां पे वो अपना ब्याह कर रहा है एक वीडियो के जरिए कि वो किस प्रकार के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, वो चीज वो सीन देखना आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतनी अच्छी काम की है इस लड़की ने। इसके पिताजी का रोल किया है राजेश तमांग ने, नो डाउट उन्होंने अच्छा काम किया है। इसकी जो बॉयफ्रेंड है वो रोल किया है आपका रितेश शर्मा ने। तो रितेश शर्मा और राजेश तमांग का एक सीन है अस्पताल में, जहां पे वो रितेश आकर बोल रहा है कि मेरे वजह से सब कुछ हुआ, अगर मुझसे मिलने ना जाती तो ये नहीं होती। तो उस टाइम पे वो जिस प्रकार से टूट जाता है, तो वो जो सीन है ना आप लोगों को दिल छू जाएगा। ऐसे कई सारे सीन है इस मूवी में जो आप लोगों को दिल छू जाएगा। लेकिन इस मूवी में खराब चीज भी है। खराब ये कि इसका स्क्रीन प्ले काफी स्लो है। 1 घंटा 55 मिनट आसपास की मूवी है, लेकिन इतना स्लो है कि आप लोगों को लगेगा कि 3 घंटे का एक में मूवी देख रहा हूं। खास करके फास्ट 30 मिनट्स वहां पे दिखाया जा रहा है कि कुकी उसकी बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, बातचीत हो रही है, उन दोनों में गाना प्यार ये सब कुछ, ये चीज पे ज्यादा फोकस ना करके इसको और भी डिटेल में दिखाते तो मेरे हिसाब से और भी बेहतर होता है। शायद इसमें कोर्ट का रूम का थोड़ा सा डाला जाता तो बेहतर होता, मेरे हिसाब से ये मूवी और भी बेहतर बन सकता था। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये एक वॉचेबल मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है, और इसीलिए मैं इस कुकी मूवी को 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।